हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ दाल पूरी या पूरन पूरी की रेसिपी, वो भी यूपी स्टाइल में। ये एकदम डब्बे की तरह गोल गोल फूल के तैयार होंगे और खाने में बहुत सॉफ्ट होगा। नमस्कार, मैं नीतू मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद इंडिया स्वैग इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। शादी और सावन के महीने में बनाया जाने वाले यूपी स्टाइल दाल पूरी के लिए एक पाव चने की दाल को मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। इसे धुलकर मैंने साफ कर लिया है। अब इसके तड़के के लिए एक कढ़ाई को मैं गैस पे चढ़ाऊंगी। उसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पे इसमें डालूंगी 1 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता, हींग और 3 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तो इसमें हम डाल देंगे चने की दाल और उसे इस तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्स हो गया, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसे भी चने की दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया, इसमें डाल दूंगी स्वादानुसार नमक और उसे भी मिक्स कर लूंगी। अब हमने जिस बर्तन में दाल भिगोया था, दाल फूल के जितना तैयार हुआ था उतना ही पानी उसी बर्तन से हम इस चने की दाल में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। चलिए आटा लगाते हैं। आटे में मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, 2 चम्मच तेल और इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाऊंगी। पूरन पूरी के लिए आटे का सॉफ्ट डो चाहिए होता है, बहुत टाइट डो नहीं चाहिए होता है। जितना आटा सॉफ्ट लगाओगे आपकी पूरी उतना ही सॉफ्ट बनेगी और उतना फूल के तैयार होगी। आटा मेरा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर तेल लगा के इसे मैं एक बर्तन से ढक दूंगी और इसे रेस्ट पर छोड़ दूंगी। इधर दाल को लगभग 40 मिनट पकते हो गया है। दाल पक गया है। अब इसी दाल में डाल दूंगी 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 20 लहसुन की कलियां और इसे सिल पर डालकर मैं इस तरह से पीस लूंगी। आप चाहे तो मिक्सर में डालकर पीस सकते हैं। मैं यूपी स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मुझे सिल पर पीस के इसे तैयार करना है पूरन को। इसी तरह से मैं सारे दाल को पीसकर पूरन बना लूंगी। पूरन तैयार हो गया है। अब इसका हमें डो तैयार करना है। इस तरह से हम डो तैयार करके रख देंगे। इधर आटा भी मेरा इतना अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। अब आटे के भी छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और इस तरह से बीच में गड्ढा करेंगे। इसमें डाल दूंगी मैं पूरन और साइड से उठाते हुए बीच में अंगूठे से दबाते हुए पूरन को आटे में भर देंगे। अब इसे मैं सूखे आटे से कोट करके हाथों से इस डो को फैलाऊंगी। उसके बाद चकले पे डालूंगी थोड़ा सा आटा और हल्के हाथों से बेलन से इसे बेलते हुए बड़ा कर लूंगी। देखिए पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसे गरम तवे पे डालूंगी और जब यह ऊपर उठने लगे उस टाइम में इसे पलट देंगे। अब यहाँ मैं यूपी स्टाइल में बना रही हूँ इसीलिए इसके ऊपर डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो इस पे बटर या घी भी लगा सकते हैं। बस अब इसे पलट देंगे। दूसरी साइड भी हम तेल को लगा लेंगे। और इसे फिर से हम दूसरी साइड पलट देंगे।
इसी तरह से मैं आपको दूसरा बना के दिखा रही हूँ। पहले आटे को इस तरह से फैलाएं। अब इसमें हम पूरन भर देंगे और साइड से उठाते हुए बीच में अंगूठे से दबाते हुए पूरन को अंदर ढकेलते हुए हम भर लेंगे इसे। देखिए कितने अच्छे से भर गया। अब इसे सूखे आटे से कोट करेंगे और हाथों से दबाते हुए पूरन को फैला लेंगे। अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा आटा, इसे डालेंगे चकले पे और बेलन के सहायता से हल्के हाथों से बेलते हुए इसे बड़ा कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब इसे डालेंगे हम तवे पे। जब ये इस तरह से फूलने लगे तो इसे पलट देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे तेल या घी। देखिए कितना अच्छा फूल के तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ना आपकी पूड़ियां फटेंगी और ना ही ये टूटेंगी, एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगी। चलिए इसे सर्व करते हैं। पूरन पूरी को मैं सर्व करूंगी खीर, सब्जी और स्पेशल आइटम गन्ने का सिरका, जिसके साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है पूरन पूरी और कोने कोने तक पहुंचा है पूरन। ये देखिए, आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। स्वाद कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।